हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए, मानव जीनोम प्रोजेक्ट यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो अमेरिका में की गई 1990 में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम दिया। और इस प्रोजेक्ट को जो प्रारंभ करने वाले देश थे उसमें अग्रणी देश अमेरिका था, और अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और चीन, ये 6 देशों ने मिलकर मानव जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और 1992 में इस प्रोजेक्ट में भारत को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस हेतु भारत की संस्था सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी संस्था ने एक प्रस्ताव भी तैयार किया, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इनके इस संस्था सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे भारत क्या है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं हो पाया। देखिए, इस मानव जीनोम प्रोजेक्ट के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो इस प्रकार थे कि समस्त मानव जाति के जीनोम को पहचानना और इसके संबंध में समस्त जानकारी ह्यूमन जीनोम से संबंधित इकट्ठा करना, एकत्र करना, इसका उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य ये था कि जीन्स की पहचान कर कौन से जीन से कौन सी प्रोटीन बनती है और उस प्रोटीन का पता लगाकर उसका क्या कार्य है, ये पता लगाना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। फिर जीन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, यानी कि रोग के जीन की पहचान करके उसका ट्रीटमेंट करना जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, यानी कि जीन अभियांत्रिकी द्वारा रोग के जीन की पहचान और उसका निदान करना इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अगला उद्देश्य है। और इसके अलावा कैंसर, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे घातक और लाइलाज रोगों के जीन्स की पहचान करके इनके लिए औषधि तैयार करना इस ह्यूमन जीनोम का, जीनोम प्रोजेक्ट का एक अलग उद्देश्य रहा है। इसके अतिरिक्त बुढ़ापा यानी एजिंग को रोकना, कि हमारे शरीर में बुढ़ापा ना आए, इसको रोकना और मृत्यु पर विजय पाना इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक और उद्देश्य है। और जन्म से पूर्व जब गर्भस्थ शिशु होता है तो गर्भ में ही शिशु के रोग की पहचान करके उसके रोग को समाप्त करना, यानी उसका ट्रीटमेंट करना इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अगला उद्देश्य है। तो ये 6 उद्देश्य हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, जिससे ह्यूमन जीनोम प्राप्त करने के बाद इन सब चीजों पर विचार करके इनका निदान किया जा सके। देखिए, डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस ने नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका में स्थापित किया 1993 में। और इस ह्यूमन प्रोजेक्ट से संबंधित जो कार्य थे इस प्रोजेक्ट में, इन्होंने सभी जातीय समूह के स्त्री व पुरुषों के ब्लड सैंपल्स, रुधिर के नमूने लेकर उसके डीएनए का विश्लेषण किया, और 26 जून सन 2000 को तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने, दोनों ने एक साथ ये घोषणा की कि कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये जो संपूर्ण मानव जीनोम प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, इसकी घोषणा इन्होंने 26 जून सन 2000 को की थी। वैज्ञानिकों का दावा है कि ह्यूमन जीनोम की 3.1 अरब इकाइयों की जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स मतलब न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन सी होती हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। आप लोगों को पता है जब डीएनए की स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था तो ये न्यूक्लियोटाइड्स थी, तो 3.1 यानी कि 3.1 अरब न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना का पता लगा लिया गया है, ये वैज्ञानिकों ने दावा किया है।
और बताया है कि लगभग 97% ह्यूमन जीनोम का जो प्रारंभिक खाका है वो तैयार कर लिया गया है। ह्यूमन जीनोम में 300 खरब से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। ये देखिए इसका जो संख्या है ये भी वैज्ञानिकों ने प्राप्त कर ली है। और इसके अलावा है ह्यूमन न्यूक्लियस में जो मानव कोशिका में जो केंद्रक होता है तो उस न्यूक्लियस में 6 अरब न्यूक्लियोटाइड्स की गणना की जा चुकी है। और इसके अलावा देखिएगा बेसिस की यानी क्षारों की जो संरचना है, हार्मोन्स का बनना है, एंजाइम्स का बनना है, इनका जो आधार है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स के जो क्रम में जो विभिन्नता होती है, सभी मनुष्यों में जो कुछ ना कुछ विभिन्नताएं या अलगपन होता है वो क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आदि, इन्हीं के कारण होता है, इन्हीं के सीक्वेंस में जो परिवर्तन आ जाता है उसी से विभिन्नता या वेरिएशंस उत्पन्न हो जाती हैं। ये आज आप लोगों का टॉपिक यहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यही समाप्त होता है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियोस की सूचना आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।